उसको आराम से खा रही है। ये तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो। 200 cc के हिसाब से कितनी स्लो बाइक है ये, भगा नहीं रहा है कि क्या कर रहा है क्या पता। क्या कर दिया KTM वालों ने 200 के साथ, मैं सोचूं भाई भाग क्यों नहीं रही है ये। सो हेलो एंड गुड इवनिंग भाई लोग। सो कैसे हो तुम लोग, सबसे पहले ये कमेंट करो। और भाई आते ही तुमको एक अपडेट देता हूँ कि भाई अपना एक और सब्सक्राइबर अपने को मिलने आ चुका है। सो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। सो ये रुका है भाई वहाँ पे, अगर सामने आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे नवले ब्रिज। सो नवले ब्रिज पे रुका है वो बंदा। लेट्स गो, चलते हैं भाई अपने सब्सक्राइबर के पास और आपको दिखाते हैं भाई। एंड फिलहाल मुझे नहीं पता भाई कैसा होने वाला ये व्लॉग, क्योंकि टोटली अननोन बंदा है भाई अपना। एंड ये पेट्रोल पंप से मैं मेरे घर से आ रहा हूँ एंड उसने इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट किया था। एंड वो भाई यहीं पे नरेगांव में रहता, तो अच्छा लगा भाई कि आसपास के लड़के मेरे वीडियोस देखते हैं। एंड एक्चुअल में जब आपकी ग्रोथ वहीं से पता चलती है कि जब आपकी वीडियो जब आपके लोकल में ज़्यादा दिखी जाती है, ज़्यादा बोले तो चलो एटलीस्ट देखते तो है, मतलब एक तरह से देखो तो पुणे वाले मेरे बंदे देखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि देखते नहीं पुणे में, कोई पुणे में भी बंदे देखते हैं। तो बात ऐसी है भाई, उसका DP मैंने देखा था, तो DP में ड्यूक 200 थी, तो मैंने बोला था भाई लो आप तो भाई कड़क वीडियो हो सकती है, तो बस इसी के लिए भाई मैं भी आ गया। एंड बंदे को अगर मिलने का ही अपने को, तो भाई अपना सब्सक्राइबर अगर अपना वेट करेगा तो हम लोग क्यों नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात है ज़रूर उसके लिए जाएंगे उससे मिलने। मामू होंगे तो फिर दिक्कत, रॉन्ग साइड जा रहा हूँ मैं वैसे। चलो भाई अब आपको सीधा मिलाता हूँ अपने सब्सक्राइबर से। कहाँ पर हो? हेलो, अरे हेलो, कौन सा साइड रुके हो? वो जो वीडियो में दिखाया वो वाले, इस साइड आ जाना जहाँ सातारा रोड पे जाते हैं ना, सातारा साइड जाते हैं वो वाले। ये सिग्नल पे ही खड़ा हूँ मैं, बस सामने ही तो है मेरे। सो आई थिंक वो रहा भाई बंदा, वो देखो वहाँ पे गया है, डबल सीट आया भाई, लफड़ा ये है। अकेले आया रहता तो अच्छा रहता मेरे हिसाब से। इट्स ओके, अब जैसा भी आया भाई, अब तो आ गए तो ब्लॉग शूट करना ही है। लेट्स सी। ओके, सो ये रहा अपना सब्सक्राइबर भाई लफड़ा। भाई डबल सीट नहीं आना चाहिए, डबल सीट नहीं आना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, कैसे हो? डबल सीट हो, छोटा भाई है क्या? चेहरा सही लगता है, सही है। फिर कहाँ रहते हो? कोई नहीं है क्या? मेरे साथ काहे के लिए चाहिए कोई? मेरे साथ में भी कोई होता होगा, अकेले जाता। हाँ मैं अकेले बनाता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं किसी की। जलवा है हमारा भाई, इधर पे बंदे आजकल सब काम पे बिजी रहते हैं अपने अपने। सो ये रहे भाई अपनी KTM और बजाज दोनों एक फ्रेम में। सो ये देख सकते हो KTM ड्यूक 200 2023 मॉडल, 23 है ना? सो 2023 मॉडल। एंड इसमें भी लगा है भाई, देखो एक्रापोविक का एग्जॉस्ट। सो ये यहाँ पे देखो DB कलर अभी लगा नहीं फिलहाल, और इसका बैंड पाइप कुछ ऐसे जाके ऐसे जा रहा है भाई नीचे, बहुत तगड़ा सा भाई बनाया। बाकी इसका साउंड वगैरह चेक कराता हूँ, थोड़ा न्यूट्रल करना, कितनी हल्की गाड़ी है ये। ओके, सो ये हो गया भाई न्यूट्रल, लेट्स चेक द साउंड। सो बेसी वाला साउंड है ये देखो। ओहो, ओ भाई, सो ऐसे ही भाई कुछ साउंड। एंड पीछे से मड़गाड़ निकाल दिया रहता ना, बहुत तगड़ा से दिखता है। चलो अब भाई चलते हैं, अब थोड़ा अपनी NS से इसको बीट करके देखते होता है कि नहीं। चलो डबल सीट है, बट एक बात है कि भाई दोनों का वेट मेरा इतना होगा, मेरे हिसाब से दोनों का वेट कितना होगा? तेरा वेट कितना? मेरा 48 है ना, तेरा मेरा 30 48, मतलब अराउंड 70-80 केजी के आसपास ही है, और मैं भी 70 केजी के आसपास ही, मतलब इतना कुछ ज़्यादा वेट का फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट्स राइड, चलो 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 हाईवे पे चलते हैं भाई। एंड ये दोनों भाई है तो मेरे को और ज़्यादा डर लग रहा है, मैं थोड़ा आराम से लेने वाला हूँ भाई। एट द एंड मेरा सब्सक्राइबर है, सो जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। बाकी 200 तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, 200 cc KTM RC और RC नहीं, KTM ड्यूक 200 एंड अपनी NS। सो ये दोनों का इंजन एकदम सेम टू सेम है, बट KTM में आपको थोड़ा सा पावर और टॉर्क दोनों ज़्यादा मिलता है, ये फ़र्क मिलेगा। देखते कैसे जाता है भाई। दिक्कत यह है, मुझे डर लग रहा है, गई KTM आगे और ये गई KTM अब पीछे।
बहुत ज्यादा शोर कर रही है ये भी। एंड आरसी का भाई दिक्कत है, एक हो गया भाई आरसी विद एग्जॉस्ट, तो आरसी भाई इतनी ज्यादा लाउड हो गया कि रिजवान भाई बोल रहे हैं मैं नहीं चलाने वाला। तो सोचे भाई उसका डीवी किलर का इंतजाम हो जाए एयर एग्जॉस्ट में, लेट्स सी भाई क्या कर सकते हैं करेंगे। भाई भगाने ही नहीं आ रहा या फिर वो भगा नहीं रहा, आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट ठीक है जो भी है। अपने से नहीं जाएगा आगे, नया प्लेयर है मुझे लग रहा है, नया है थोड़ा सा नया। अभी मैं एक ट्राई करता हूँ कि मैं उसी को मतलब उसी की गाड़ी पे उसके छोटे भाई को भी ले लेता हूँ और मैं भी चला के देखता हूँ, उसके बाद देखते हैं ये गाड़ी भागती है कि नहीं। मुझे लग रहा है भाई भाई को चलाने नहीं आ रहा, बाकी सब ठीक है, भाई को चलाने नहीं आ रहा शायद। यह है नेशनल हाईवे 48 एंड यहाँ पे मैं और मेरा सब्सक्राइबर मचाते हुए शाम का टाइम, बहुत अच्छा सा व्यू और ऐसे प्यारे सब्सक्राइबर जब आते हैं ना तो और ज़्यादा दिन अच्छा बन जाता है। तो मैं सोया था एंड इस भाई के लिए भाई मैंने अलार्म लगाया था कि भाई मेरे को यार भाई से मिलना है। लास्ट टाइम भी भाई ने अटैम्प किया था बट मेरे को थोड़ा काम हो गया था, मेरे को थोड़ा काम था इस वजह से मैं गया नहीं, बट इस बार नहीं, इस बार मैंने बोला भाई भाई को मिलेंगे तो पक्का मिलेंगे, इसलिए भाई मैं इस भाई के लिए मैंने अलार्म लगाया था और मैं उठा हूँ भाई अलार्म लगा कर। ये आ गया क्यों नहीं यार, आ गया क्या आया? चलो देखो क्या करना है, चलो भाई तुमको भी बताते, ये लो ये देखो गायब। अब बोलना कोई डबल सीट है, मेरा भी वेट उनके इतना ही है। अच्छा इसको फ्यूल डालना था, आएगा वो फ्यूल डाल के फिर भाई चलता हूँ इसके साथ, पहले तब तक यहीं पे रुकता हूँ। एंड यहाँ पे आप नज़ारे देख सकते हो, अगर दिख रहा होगा तो बहुत तगड़ा सा सनसेट है। क्या करूँ यार, गोप्रो में ये सनसेट वगैरह ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाता ना यार, नहीं तो बहुत अच्छा व्यू है। मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कड़क मतलब यहाँ पर ये हुआ है, एक सेकेंड, इनकी माँ का जो देखो भाई सबके सभी एग्जॉस्ट लगाए घूम रहे, क्या हुआ क्या हो गया आगे तक? वो आगे टनल है, टनल से यूटर्न ले लेंगे। ये देखो गाइस, रुको मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट। अबे यार ओके सो ये रहा भाई सनसेट, देख लो गाइस फोटो और देख लो भाई अब क्या ही बोलो, क्या हो गया पक्का? अभी डाला था गैस। कितना डाला था, कितने का डाला था? 150 का डाला। आई जी जाके आएगी आराम से, एक लीटर में आराम से जाके आएगी। तो भाई बोल रहा है फ्यूल अभी नहीं डलाएगा, बाद में डलाएगा, अभी भाई थोड़ा मूड में। चल 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 चल, मेरी एनएस उसको आराम से खा रही है, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है भाई बंदा ही थोड़ा सा अभी नया है राइडिंग में, भगा नहीं रहा है कि क्या कर रहा है क्या पता, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। लेट्स सी भगाता है कि नहीं। चलना आगे, चल 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 जितना जाता है, चल देखते हैं कितना जाता है तू। अब ये लोग खत्म हो गया, ये आप देखना, अरे यार छोड़ देता है यार बंदा। ऑब्वियसली नया बंदा है भाई, कितना भी आप बोलो क्योंकि पता चल जाता है राइडिंग स्टाइल से ही पता चल जाता है कि नया बंदा है जूना बंदा है। बट एक है थोड़ा ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, इतना हाइप नहीं चल रहा हूँ। एक्चुअल में मैं ज़्यादा हाइप हूँ KTM देख के, क्योंकि ड्यूक 200 मैंने कभी भी उसके साथ यही नहीं किया भाई, वो तो पूरा मचा रहा है इसके अंदर। अभी देखो कैसे धरता हूँ, ये देखो आ गया कंटिन्यूस रेस कर रहा हूँ, अभी छोड़ा उसने।
मजा आ रहा भाई, कसम से मजा आ रहा। अच्छा भाई मैंने आरसी नहीं लाई, तो वो 8 लग जाती बंदे की 390 लेके आता तो, मतलब जो तुम हथियार लाए हो उसी हथियार का टॉप मॉडल हमारे पास है। बराबरी का गेम होना चाहिए, क्यों क्या बोलते हो? भाई आ रहा है कि नहीं पीछे से? आ जा जल्दी भाई स्पीड में। मेरे को भी डिवी कलर निकाल लेना चाहिए। चल तो सो फाइनली पहला यूटर्न बैठ गया। आप यहाँ से यूटर्न लेंगे, बहुत छोटा सा ही मैंने ब्लॉग ऐसे भी प्लान किया था, कुछ ज़्यादा लंबा ब्लॉग प्लान नहीं किया था, मतलब ज़्यादा लंबा राइड नहीं प्लान किया था एक्चुअल में, ऐसे बोल सकते तुम लोग। कसम से मैं आरसी को लेके आता ना भाई, वाट लग जाती, वाट इतनी ज़्यादा लाउड है ना वो। चलो भाई आपको अब ड्यूक 200 थोड़ा चला के दिखाता हूँ, लेट्स सी कैसे चलाता हूँ मैं। बंदे को ही नहीं चलाने आ रहा है, मैं नहीं चला पाता हूँ। तू मेरे साथ ही बैठ, तू मेरे साथ ही बैठ यहाँ पे, लेट्स सी भाई। फर्स्ट टाइम ड्यूक 200 चला रहा हूँ इससे पहले भाई मैंने ड्यूक कभी नहीं चलाई, ना 390 चलाए ना कुछ नहीं, लेट्स सी। तो ये हो गई बाइक चालू। इसका जो हैंडल का ये जो पोजीशन है ना, मेरे को बहुत तगड़ा सा लगता है भाई, ये कसम से बहुत अच्छा लगता है। लेट्स गो चलते हैं। लो फ्यूल इंडिकेटर आ गया भाई का, पावर तो है भाई बाइक में, ऐसे कैसे चला रहा है बंदा। बाकी इसका हैंडल बार मेरे को बड़ा पसंद है। एनएस में तुम लोग जो बोलते हो ना कि लगाओ भाई ये वाला हैंडल बार, बट एनएस का हैंडल बार मैं क्यों नहीं चेंज करना चाहता भाई, उसके पीछे भी एक रीज़न है। इसकी पोजीशनिंग अच्छी है, पर तगड़ी है ये, देखो मस्त ऐसे यहाँ पे रखो। टंकी इतनी सी है, ये तो भाई ये टंकी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रही है एनएस में, इधर तक टंकी है। कितनी पास है, मतलब ये बहुत ज्यादा क्लोज है भाई हैंडल वैंडल। बढ़ गया, देखते कितना जाती है। 78/8 हो रही है, ये क्या लफड़ा है भाई। थोड़ी देर मेरा 90 जाती है, क्या कर दिया केटीएम वालों ने 200 के साथ। मैं सोचो भाई भाग क्यों नहीं रही है ये। फोर्थ गियर देखते हैं, 98। बहुत स्ट्रगल कर रहे भाई ये ड्यूक, बहुत ज्यादा। बाकी कड़क लग रहा है, देखो ब्रेकिंग वगैरह सब मस्त है। एंड इसका ये ब्रेक दाबो तो थोड़ा हैंडल इस साइड क्यों हो रहा है, भाई को बताना पड़ेगा कि थोड़ा इसमें ध्यान दे दे। लेट्स गो। तो ये ड्यूक का जो भी है मैंने दिखा दिया, एक्चुअल में ड्यूक क्यों नहीं भाग रही है, बट मुझे लगा भागती है, मतलब भागती होगी यार जरूर, मैं कभी नहीं चलाया और मुझे क्या पता कि ऐसा भी होता है भाई कुछ। बाकी बहुत कड़क सा ही भाई इसका व्यू है, मतलब बहुत कड़क दिखती है बाइक, लुक में बहुत अच्छी है। अरे ये थर्ड गियर 79 जा रही है, ऐसे कैसे थोड़ी देर 90 जाती है, ये स्टॉक में ही है वो भी। सो इसका सबसे फेवरेट चीज़ है ना जो भाई ये लगता है, ये DRL और ये LED सेटअप, ये तो कितने ज़्यादा ब्राइट है देखो ना। सो पता नहीं क्यों भाई, बट इसमें KTM वालों ने क्या किया या फिर इस बंदे ने किया, कुछ किया क्या इसमें? कुछ नहीं किया। तो पता नहीं क्यों भाई ऐसे निराश हो गया, मेरे को लगा था यार KTM ये दोनों NS 200 दोनों एक जैसे ही भागती है,
ये तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो। 200 सीसी के हिसाब से कितनी स्लो बाइक है ये? तुमने कुछ किया कि नहीं ये बताओ पहले, पक्का? कैसे कैसे यार, थर्ड गियर 79 वो 89 जाती है, 90 के आसपास पहुंच जाती है, होना है तो फिर भी इतना कम? अपना गियर का जो स्पीड रहता है ना उतना बाइक देती है, सर्विसिंग हो या ना हो। लेट्स सी भाई, अब जो भी है अब सर्विसिंग करने के बाद एक बार फिर भी चेक करते हैं। बट मेरे हिसाब से देखो क्या होता है, जब गियर की आपकी या फिर इसका स्पॉकेट कितना दिखता है, स्पॉकेट ज़्यादा बड़ा है कि नहीं? स्पॉकेट बड़ा है शायद, आरसी वाला है, आई डोंट नो। निराश हो गया भाई मैं थोड़ा सा ये चीज़ देख के कि भाई KTM जैसी मतलब ये लेजेंड बाइक है भाई ये भी, और ये ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। चलो चलते, ऐसे कैसे नहीं भाग रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कहाँ जाने का है? घर पे चलते हैं अभी रास्ते साइड। सो ये जो KTM है भाई इस NS से नहीं जीत पाएगी भाई, जब ऐसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा तो ये नहीं जीतने वाली। पता नहीं क्यों ऐसे कंपनी वालों ने ही किया ऐसे बोल रहा है ये, क्योंकि इसका पहले से ही इतनी जाती है, शुरू से ही इतनी जाती है 79, शुरू से ही। फिर भी गियर और गियर स्पीड का कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, और वो तो ब्रेक दाबो तो देख थोड़ा टिल्ट भी हो रहा है बाइक, ध्यान दे देना वो गिर जाएगा कभी। लेट्स गो, चलो आ गए भाई फिर अपनी। ऐसे आता है भाई कुछ स्पीड, मेरा ध्यान नहीं था एक्चुअल में रोड में, मैं आज उस अंकल को लेके सो गया रहता भाई नीचे, सो गया रहता रे बाबा। लेट्स गो, आज निकालते हैं इसकी मां का टॉप स्पीड। चल यार 41 तक जा पाया बस। इसको 112 में भी मैं छोड़ सकता हूँ भाई, रिलैक्स रहता हूँ, मेरे को पता है ये नहीं है गिरेगा ही नहीं, इसलिए मेरे को ये हैंडल पसंद है। तुम लोग बोलते हो ना कि भाई आपको NS का हैंडल क्यों पसंद है, आप क्यों नहीं चेंज करते KTM है? भाई इन हैंडल का बहुत ज़्यादा वेट है, ये निकालो ना, दोनों का बहुत ज़्यादा वेट है। एंड एक्चुअल में जब मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ आप लोग उस बात से रिलेट करोगे, ये पिया हुआ बंदा है भाई इधर उधर चल रहा है। तो बात ऐसी है भाई, देखो जब मेरी NS ड्रीम बाइक हुई थी ठीक है, तो ये हैंडल ही देख के भाई मेरे को प्यार हुआ था इससे, जाहिर सी बात है। और वो चीज़ें निकाल दो जिससे मैं इस बाइक को लेने की ख्वाहिश रखता था, तो अगर चीज़ निकाल दो तो फिर फ़ायदा क्या है भाई, फिर वो प्यार किस काम का? जो मतलब आप शादी करो और बीवी को बोलो कि 4 किलो मेकअप ही हरदम रखे तो ऐसे नहीं चलेगा ना, जैसे ही है वैसे ही पसंद करो ठीक है। तो मेरे को बस ये ऐसे ही इसका हैंडल बार आता है, और इसी से ही मैंने शुरुआत की थी, मेरा इसी को देख के भाई मेरा NS के लिए प्यार आया था। जाहिर सी बात है ये हैंडल मैं चलो किया तो किया बट नहीं मॉडिफिकेशन के लिए कर सकता हूँ, बाकी मैं हैंडल ये नहीं निकालने वाला। और ये बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल हैंडल है ये, क्योंकि वेट रहता है ना भाई पूरा। आने देते हैं भाई को, मैं हैंडल मैं पूरा एक्सीलेटर दे ही नहीं रहा भाई। भाई भाई धीरे जा धीरे जा, डर लगता है यार जब सब्सक्राइबर ऐसे जाते हैं तो। Here we go. And आज की शाम कसम से बोलूँगा भाई बहुत अच्छी शाम रही, मेरे को बहुत मज़ा आया इन सब्सक्राइबर से मिल के। और आप भी अगर पुणे से हो एंड आप मतलब ऐसे समझ लो आप कातरज के या फिर स्वारगेट, कातरज या स्वारगेट या फिर बोल सकते हो वारजे, ऐसे कुछ एरिया के अगर आसपास हो तो कांटेक्ट में भाई लोग, हम लोग भाई मज़े करेंगे यार, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी बनाएंगे। अगर आप मोटो व्लॉगर हो तो व्लॉग आपको मिल सकते हैं, बाकी आपको अगर मन करे तो मेरे को मिलने भी आ सकते हो, बाकी कोई बात नहीं भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे सब्सक्राइबर्स पे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिलने आते हो, ऐसे ही मेरे को आज तक 3 से 4 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं जो मेरे पास आए हैं और हम लोग राइड किया और अच्छा रिलेशन बनाया, रिलेशन बोले तो दोस्ती वाला वैसा ही रिलेशन। अगर आप मेरे साथ चाहते हो तो बस आओ भाई मिलेंगे एंड मस्त वीडियो बनाएंगे। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट कर देना। KTM Duke 200 अगर लोअर हो, अगर तुम KTM को देख के मेरे चैनल पे आए हो गए तो भाई मेरे पास KTM भी है RC 390, तो KTM के वीडियोज़
मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बाकी भाई लोग, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें भाई मैंने आरसी में एग्जॉस्ट लगाया था, तो ये रहा भाई उसका थंबनेल। जाओ भाई आरसी में जब एग्जॉस्ट लगाया था क्या लाउडनेस था, क्या राइड था, जो भी चीज़ें भाई अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट करना या फिर मेरा चैनल ओपन करना और जाकर वीडियो सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी मॉडिफिकेशन की वीडियोज भी मेरे चैनल पर बहुत सारी पड़ी है।